न्यूज वॉल इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। हल्द्वानी के भनपुरपुरा में हुए विवाद के बाद कानपुर समेत पूरे उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट रहा। वहीं उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने देर रात कानपुर मंडल के सभी अधिकारियों से जुम्मे पर मीटिंग करके जुम्मे की नमाज के दौरान हाई अलर्ट पर रहने का आदेश दिया। डीजीपी ने सख्त आदेश दिया कि जिस भी क्षेत्र में कानून शांति व्यवस्था को खतरा उत्पन्न होने की संभावना है तुरंत ही मौके पर कठोर कार्रवाई की जाए। वहीं कानपुर पुलिस उपायुक्त हरीशचंद्र ने लोक जीवन और लोक संपत्ति की सुरक्षा के मद्देनजर कानपुर के सद्भावना चौकी के आसपास भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया। साथ ही बॉडी वॉर्न कैमरा ड्रोन कैमरा से पूरे क्षेत्र में नजर रखी गई। सारी दुकानें खुली हुई हैं। हम लोग लगातार सभी वर्गों से हमारी बातचीत चल रही है। किसी प्रकार का कोई तनाव परिलक्षित नहीं हुआ है। जीवन पूरे रूप से सामान्य रूप से चल रहा है। पुलिस बंदोबस्त पूरी तरह से चौकन्नी है और आप देख रहे हैं सभी वरिष्ठ अधिकारी, यहाँ तक मैं भी हूँ यहाँ मौके पर, और डिप्लॉयमेंट सभी स्थानों पर जो भी संवेदनशील स्थान है वहाँ किया गया है। अधिकारी खुद फुट पेट्रोल कर रहे हैं और नागरिकों से और जो हमारे विशेष रूप से विभिन्न धर्मों के धर्मगुरु हैं उनसे भी हम लोग अपना संपर्क बनाए हुए हैं। तो किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, लोग सामान्य रूप। वहीं झांसी में संपन्न कराने को लेकर सुरक्षा और जुम्मे की नमाज, इसको लेकर गोविंद चौराहा इलाके में पैदल गश्त किया गया। दरअसल जिस तरह से हल्द्वानी में कल देर रात घटना हुई थी उसको लेकर यहां पर शांतिपूर्वक तरीके से जुम्मे की नमाज अता की जाए, इसको लेकर झांसी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। शुक्रवार की सुबह से ही झांसी में मस्जिदों के परिसर के आसपास पुलिस बल तैनात रहा था। अधिकारियों द्वारा मौके का जायजा लेने का सिलसिला भी जारी रहा। पुलिस अधिकारियों के निर्देशन पर सभी पुलिसकर्मी सतर्कता बरतते हुए नजर आए, अधिकारी भी गश्त करते हुए नजर आए। शहर के सबसे संवेदनशील मरकज मस्जिद के पास रेंज के डीआईजी समेत तमाम पुलिस अधिकारियों ने लगातार गश्त किया। झांसी रेंज में पुलिस को रोज ही अलर्ट पे रखा जाता है, डेली पैदल गश्त होती है। संवेदनशील इलाकों में पुलिस भ्रमणशील रहती है। आज भी संवेदनशील इलाकों में पुलिस अलर्ट है, आज भी भ्रमणशील है और यहाँ के जितने अधिकारी हैं पूरे रेंज के तीनों जनपद झांसी ललितपुर जालौन सभी कहा गया है। जो प्रोमिनेंट लोग होते हैं, संभ्रांत लोग होते हैं, विभिन्न धर्मों के धर्मगुरु होते हैं, सबसे समन्वय स्थापित और संवाद बना के रखा कर, और कोई भी अफवाह है चाहे वो मौखिक अफवाह है या सोशल मीडिया पर कोई अफवाह है उसका तुरंत खंडन भी कर दिया करें। तो ऐसा कोई विशेष अलग से कोई पीलीभीत में पुलिस टीम और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस टीम पर बदमाशों ने फायरिंग की। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। पुलिस ने घायल बदमाश को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। बदमाशों के पास से पुलिस ने अवैध असलाह और चोरी का सामान बरामद किया है। थाना मरिया क्षेत्र के सरेनी तिकुनिया गाँव का पूरा मामला बताया जा रहा है। योगी सरकार प्रदेश की जेलों में बंद कैदियों को न सिर्फ रोजगार से जोड़ रही है, उन्हें समाज की मुख्य धारा से भी जोड़ने का काम कर रही है। रोजगार के साथ साथ धार्मिक आस्था से भी जोड़ने का काम हो रहा है। सरकार कौशल विकास योजना से 54 बंदियों के दो बैच ले रही है। 54 बंदियों के दो बैच हैं। कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक वायरल मेन का प्रशिक्षण फतेहगढ़ जिला जेल में बंदियों ने इन्वर्टर एलईडी बल्ब तैयार किया है। लाइट जाने के बाद 4 घंटे तक बिना लाइट के ये रोशनी देगा। जेल अधीक्षक भीमसेन का कहना है कि प्रदेश की जेलों में बल्ब लगाने के बाद लाखों रुपए की डीजल की लाइट जाने के बाद बचत होगी। श्रावस्ती में जुमे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट रहा। ज्ञानवापी और उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता कानून लागू होने पर श्रावस्ती पुलिस अलर्ट रही। शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में पुलिस जन समुदाय ने जुमे की नमाज अदा की। आपको बता दें कि अपर पुलिस अधीक्षक प्रवीण यादव के साथ एडीएम प्रशासन मौके पर मौजूद रहे। भारी संख्या में पुलिस बल और ड्रोन कैमरे से जुमे की नमाज को शांतिपूर्ण वातावरण में सकुशल संपन्न कराने की मॉनिटरिंग की जा रही थी। जिले के सभी मस्जिदों में पर्याप्त पुलिस बल की निगरानी में जुमे की नमाज अदा की गई। वहीं संत कबीरनगर में स्नान कर ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार घर वापस आ रहे श्रद्धालुओं के साथ बड़ा हादसा। घटना में लगभग एक दर्जन श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंचे धनघटा एसओ अनिल कुमार ने राहत बचाव कार्य जारी किया। एसओ धनघटा ने घायल श्रद्धालु को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया जिनका इलाज जारी है। सरयू नदी से स्नान कर अपने गांव कड़सर वापस जा रहे थे श्रद्धालु जिनके साथ यह हादसा हुआ। धनघटा थाना क्षेत्र के लोहरे गाँव के पास की दुर्घटना बताई जा रही है।
झांसी पिशावर को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के द्वारा की गई टिप्पणी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के पिशरा मोर्चा में आक्रोश देखने के लिए मिला। आपको बता दें कि झांसी जिले के मोरानीपुर में भारतीय जनता पार्टी पिशरा मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा राहुल गांधी का पुतला दहन कर जमकर नारेबाजी की गई। आपको बता दें कि पुतला दहन के दौरान मौजूदा युवा नेता मोनू मौर्य ने बताया कि राहुल गांधी के द्वारा ओबीसी समाज को लेकर जो टिप्पणी की गई है उसके खिलाफ ओबीसी समाज में जबरदस्त गुस्सा और रोष है, जिसको लेकर मौरानीपुर के गरौर चौराहे पर पुतला दहन किया गया। तो वहीं पुतला दहन होने के बाद मौके पर मौजूदा पुलिस बल के द्वारा पुतले की आग को बुझाया गया। झांसी में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उड़ीसा में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लेकर जो अपशब्द बोले हैं, गुजरात सरकार ने उनको पिछड़ी जाति में शामिल किया, जिसके बाद प्रधानमंत्री पिछड़ी जाति के नहीं सामान्य जाति के बताए हैं। पिछड़ी जाति के राहुल गांधी अपमान लगातार कर रहे हैं, इस तरह के आरोप उन पर लग रहे हैं, जिसके विरोध में लाइट चौराहे पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का पुतला दहन किया। मौनी अमावस्या के मौके पर हरिद्वार में अर्की पौड़ी पर श्रद्धालु गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे थे। मौनी अमावस्या पर गंगा स्नान का विशेष महत्व है। हरकी पैड़ी पर सुबह से ही गंगा स्नान करने वालों को तांता लगा रहा। माघ मास की अमावस्या को पड़ने वाली मौनी अमावस्या पर गंगा में स्नान करने से सुख शांति मिलती है। दूर दूर से पहुंचे श्रद्धालु अपने पितरों के निमित्त तर्पण करके भी गंगा में स्नान करते हुए नजर आए, दान करके पुण्य अर्जित कर रहे थे। प्रशासन की ओर से भी सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। नहावन है और पितरन के लिए है, खास करके उसी लिए आए हैं। क्या करते हैं, क्या मांगा माँ गंगा से आपने? गंगे मैया से यही मांगा, परिवार में सुख शांति दीजिए, जो सब कोई आए हुए हैं सबके घर में शांति दीजिए और सब कुशल मंगल से रहें, सबके परिवार में खुशियां लाइए, जो दुखी हैं उनको भी खुश रखे, और क्या इसीलिए आए हैं। हरकी पेड़ी पर आकर के भगवान का थोड़ा दर्शन भी हो जाएगा, गंगे मैया थोड़ा नहान भी हो जाएगा। लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने के बाद मंगलौर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। उपचुनाव में कांग्रेस से काजी निजामुद्दीन और बसपा से हाजिर सरवत करीम अंसारी के बेटे उपचुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं, लेकिन भाजपा ने अपना उम्मीदवार अभी तक घोषित नहीं किया। भाजपा से मंगलौर विधानसभा सीट पर जीत का परचम लहराने का दावा करने वाले भाजपा के जिला महामंत्री ओबीसी मोर्चा प्रभारी प्रभात चौधरी ने उपचुनाव में पार्टी से टिकट की मांग की है। उन्होंने कहा कि वो कई सालों से पार्टी की सेवा कर रहे हैं। मंगलौर विधानसभा सीट पर भाजपा हमेशा तीसरे नंबर पर रही है, लेकिन इस बार पार्टी अगर प्रत्याशी के रूप में घोषित करती है तो निश्चित तौर पर मंगलौर विधानसभा सीट पर जीत दर्ज कर भाजपा के झोली में डालने का काम करेंगे। जनता पार्टी के समक्ष अपना मांग पत्र रखा है कि मुझे मंगलौर से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया जाए, और यहाँ देखिए मंगलौर में दो ही लोगों की सत्ता रही है, और ये हमारा क्षेत्र मंगलौर विकास से कोसों दूर है। देख एक काम बताइए मुझे, एक कि हाजी काजी जी ने कोई एक उपलब्धि एक कार्य क्षेत्र में किया हो तो आप मुझे बताओ, एक एक बता दो, दूसरे को तो छोड़ दो, कि एक कार्य विकास का करके दिया हो। आप देखिए काजन जिले की थाना अंबापुर पुलिस कस्टडी में एक 20 साल के युवक ने खुदकुशी करने की कोशिश की। पुलिस गंभीर हालत में उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंची, जहां डॉक्टर ने उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। युवक लड़की भगाने के आरोप में 7 दिनों से हवालात में बंद था। युवक के परिजनों और क्षेत्रीय ग्रामीणों ने कोतवाली के बाहर जाम लगाकर पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए। सुरक्षा की दृष्टि में जिले भर का भारी मात्रा में पुलिस फोर्स अंबापुर थाने पर मुस्तैद रहा। पुलिस ने भीड़ को खदेड़ने की कोशिश की। राजू भारती अंबापुर थाने में क्या करना करते? मेरे भतीजे का साला था, इसको 7 दिन पहले पकड़ के लाई थी, जिसमें कोई क्राइम नहीं था, और उन्होंने पैसा लेकर किसी पार्टी से उसको राज फांसी पर लटकाया, मार दिया है। कितने दिन से थाने बंद? 7 दिन हो गए, और जबकि बंद किया गया था 7 दिन पे हुए, और जबकि ये नियम है 24 घंटा मुंजो जेल भेजा जाता है, ये उसको पदार्थ करते हुए उसको मार दिया फांसी लगाकर। फरुखाबाद के कमालगंज थाना क्षेत्र के नगला दाऊद मौलाना आजाद इंटर कॉलेज के सामने आगरा कोलकाता मेल के लोको पायलट ने सूचना दी कि इंजन में किसी फोर व्हीलर के पार्ट्स के टकराने की आवाज आई है। सूचना पर पहुंचे जीआरपी पुलिस ने जांच की और एक फोर व्हीलर कार जिसका नंबर UP76 बताया जा रहा है क्षतिग्रस्त अवस्था में पाई गई। ज्यादा स्पीड होने की वजह से फोर व्हीलर रेलवे डिवाइडर से टकरा गई। डिवाइडर का 4 मीटर का टुकड़ा रेलवे ट्रैक पर जा गिरा। रेलवे ट्रैक के आसपास क्षतिग्रस्त फोर व्हीलर को क्रेन की मदद से उठाया गया। गाड़ी मालिक गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। मुकदमा पंजीकृत कर जीआरपी कार्रवाई करने में जुटी हुई है।
हल्द्वानी में हुई हिंसा के बाद उत्तर प्रदेश के संवेदनशील जनपदों में शांति व्यवस्था बनाए जाने को लेकर यूपी पुलिस अलर्ट मोड पर है। आपको बता दें कि पुलिस की गश्त लगातार बढ़ा दी गई है। सर्व समाज लोगों से पुलिस प्रशासन वार्ता कर शांति की अपील कर रहा है। सहारनपुर में जुम्मे की नमाज के दिन पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में जुम्मे की नमाज शांतिपूर्वक संपन्न हुई। सहारनपुर के SSP डॉक्टर पिंतारण ने बताया कि जुम्मे की नमाज को लेकर सभी पक्षों से लगातार वार्ता जारी है, सौहार्दपूर्ण वातावरण बना हुआ है। व्यापारी वर्ग और गणमान्य व्यक्तियों से वार्ता भी की गई। आपको बता दें कि जगह जगह पर पुलिस फोर्स की तैनाती रही है, पुलिस फोर्स की मोबाइल भ्रमण भी होती रही। सभी पुलिस अधिकारियों को अलग अलग दो क्षेत्रों में बांटा गया जिससे कोई समस्या ना हो, इसके लिए पूरी तैयारी की गई थी। जी आज जो शुक्रवार को जुम्मे की नमाज है इसको लेकर सभी पक्षों से लगातार वार्ता की गई है और सौहार्दपूर्ण वातावरण है। जगह फोर्स की मोबाइल है, पुलिस पर मोबाइल है, अधिकारी भी भ्रमण पर है। मैं स्वयं यहाँ घंटाघर पर उपलब्ध हूँ और यहाँ पर भ्रमण कर रहा हूँ शहरी क्षेत्र का। अलग अलग अधिकारियों को अलग अलग क्षेत्र बांटा गया है सुपरविजन के लिए और कहीं कोई समस्या ना आए इसके लिए पूरी तैयारी है। कानपुर में थाना अंतर्गत एक स्कूली वैन के मार्ग दुर्घटना के बाद जहाँ एक बच्चे की मौत और 9 बच्चे घायल हुए, जहाँ इलाज में एक और बच्चे की मौत हो गई है और उनका इलाज हैलट अस्पताल में जो घायल है जारी है। वह इस पूरी घटना में RTO विभाग की हिलावाली की वजह से आए दिन नौनिहाल बच्चों की जिंदगी दांव पर रखकर स्कूल वैन संचालक धड़ल्ले से वाहन में 16 बच्चों को भरकर सड़कों पर फरवाटे भर रहे हैं। RTO विभाग इन सभी स्कूल चालकों पर लगाम लगाने की बजाय कुमकर्णी नींद सो रहा है। कल हुए हादसे के बाद RTO विभाग के अधिकारियों सड़क पर निकलकर इस तरह के स्कूली वैनों और ड्राइवरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए चेकिंग अभियान चलाया। कई वाहनों को RTO ने पकड़कर सीज कर दिया, विभागीय कार्रवाई की है। अब देखना होगा कि RTO विभाग कितने दिनों तक इस तरह सड़कों पर रहकर कार्रवाई करता है। स्कूल वाहनों के मानक सब पता है आप लोगों को, पहले भी कई बार हम लोगों ने इसमें सभी स्कूल पर बैठक की है और इस बारे में दो समितियां भी बनी हैं, एक तो जिला परिवहन नियान सलाहकार समिति और एक स्कूल या विद्यालय यान परिवहन समिति। तो जो विद्यालय यान परिवहन समिति होती है वो लोकल होती है और उसमें लोकल वहाँ के नायब तहसीलदार SO और शिक्षा विभाग के जो होते हैं और जिस स्कूल का वाहन होता है उसके बारे में पूरी जानकारी रखी जाती है। तो जिला परिवहन यान सलाहकार समिति की बैठक होती है महीने साल। सहारनपुर में भीम आर्मी जय भीम संगठन के जिला अध्यक्ष सैनी गौतम के नेतृत्व में रविदास छात्रावास से पैदल संविधान बचाओ यात्रा अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ निकाली गई। यात्रा रविदास छात्रावास से जिलाधिकारी कार्यालय तक निकाली गई। भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष सैनी गौतम ने बताया कि संविधान बचाओ यात्रा का उद्देश्य बहुजन समाज पर लगातार हो रहे अत्याचार और देश में भारतीय संविधान होने के बावजूद भी दलित समाज पर लगातार हमला हो रहा है, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो या फिर अन्य कोई शिक्षण संस्थान। दलित समाज के बच्चे जातिवाद के चलते खुदकुशी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में दलितों पर लगातार हमले हो रहे हैं, इस पर तत्काल रोक लगाई जाए। वहीं FIR के जिलाध्यक्ष सागर गौतम ने बताया कि राज्य की सरकार ने पिछले 7 सालों से छात्र संघ चुनाव पर रोक लगा रखी है। शिक्षण संस्थाओं में लगातार फीस वृद्धि हो रही है। नई शिक्षा नीति को छात्र छात्राओं के ऊपर जबरदस्ती थोपा जा रहा है जो छात्र छात्राओं के लिए घातक साबित होगा। पैदल संविधान बचाओ यात्रा में संजीव नौटियाल, संदीप कानियाल, नफे सिंह, सोमिन गौतम, शिवम खेवड़िया, विक्की, संदीप मौर्य, अजय नौटियाल, अंकित जोरी खन्ना, प्रदीप कुलदीप, सोनू मांगेराम मौजूद रहे। देखिए मेरा नाम सन्नी गौतम, भीम आर्मी जय भीम संगठन जिला अध्यक्ष हूँ और आज हमने रविदास छात्रावास से संविधान बचाओ यात्रा निकाली है। रविदास छात्रावास से स्टार्ट होकर के कलेक्टर कचहरी पहुंची है और जिसमें हमारी मांगे हैं वो 6 मांगे थी। सबसे पहले जो हमारे जगत गुरु रविदास संत रविदास महाराज जी हैं, पूरे सहारनपुर की धरती में जितने भी गांव आते हैं सभी गांव में रविदास जयंती की परमिशन हो और सभी जगह हमारे रहबर गुरु रविदास जी का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया जाए। क्योंकि भारतीय प्रधानमंत्री को लेकर OBC समाज के लिए राहुल गांधी के द्वारा विवादित बयान के संबंध में BJP नेताओं में बड़ा रोष है। इसी के चलते कानपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा परेड चौराहे पर राहुल गांधी का पुतला फूंककर प्रदर्शन किया गया और राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। दरअसल राहुल गांधी द्वारा भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को केंद्र करके OBC समाज के ऊपर विवादित बयान दिया गया था। इसी को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में रोष व्याप्त। पुतला फूंकने के बाद भाजपा के जिला अध्यक्ष दीपू पांडे ने बताया कि राहुल गांधी ने PM के बारे में जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, हमेशा देखा गया है कि राहुल गांधी कार्य के नाम पर, विकास के नाम पर, प्रगति के नाम पर कोई तुलना नहीं कर पाते, प्रतियोगिता नहीं स्थापित कर पाते तो अभद्र भाषा के द्वारा देश के प्रधानमंत्री को अपमानित करते हैं। आज भैया देश के यशस्वी प्रधानमंत्री
और विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता मोदी जी के बारे में कल इंडिया नामक जो है जो ठगबंधन है उसके नेता राहुल गांधी ने एक बयान दिया। इसमें उन्होंने कहा कि मोदी जी जन्म से पिछड़े नहीं और ये पिछड़े वर्ग के नहीं है। ये अपमानजनक इस तरह का उद्बोधन करने की उनकी लगातार से आदत हो रही है। ना तो वो अपने उद्बोधन में बड़े छोटे का लिहाज करते हैं, ना वो संस्कारों की कोई बात करते हैं। जिस तरह से अभद्र भाषा और कहना चाहिए। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया के साथ।